आज हम देखने वाले हैं पेगिलेटेड फिलक्रिस्टिम के बारे में। इस मेडिसिन को लेने से पहले जो है बहुत ही प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन ड्रग है। मतलब कि सिकल सेल पेशेंट को ये नहीं देना है, अगर किसी को ऑलरेडी सिकल सेल पेशेंट है तो उसकी जाँच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कैसे ये वर्क करती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये जो है पोटेंशियली स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ द सिकल रेड ब्लड सेल को, लीडिंग टू द, इससे क्या होगा फिर वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस हो जाएगा एंड वर्सनिंग ऑफ द सिकल सेल डिसीज़ जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो है इस ड्रग को लेने से पहले बचना चाहिए। और इस मेडिसिन का जो उपयोग है वो होता है सीवियर न्यूट्रोपीनिया पे, ठीक है। ये क्या काम करती है, स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स को एंड हेल्प करती है रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड द सीवियरिटी ऑफ द न्यूट्रोपीनिया के लिए। और इससे क्या होता है, विच इज़ द कंडीशन करेक्टराइज बाय द लो न्यूट्रोफिल काउंट, अगर होता है तब जाके। इसकी बात यह है कि ये जो है ओरल फॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, टिपिकली एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है व्यू द सबक्यूटेनस इंजेक्शन के रूप में। दूसरी बात इसमें यह है कि देखो, पिगलेटेड नॉर्मल जो फिग्रस्टिम है उस अकेले को नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होती है वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की होती है। इसलिए जो है पेगलेटेड फिग्रस्टिम खुद को देते हैं कॉम्बिनेशन करके, क्योंकि ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होता है इसका कंपेयर टू द नॉर्मल फिग्रस्टिम के कंपेरिजन पे। और एडिशन ऑफ द पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल टू पिगलेटिज्म प्रोलॉन्ग इसके हाफ लाइफ भी बढ़ जाती है, इससे क्या होता है कि सस्टेंड रिलीज एंड द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द इसका एक्शन देखने को मिलता है।